सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। देश भर में बहुचर्चित निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले में चारों दोषियों को शुक्रवार की सुबह फांसी की सजा मिलने पर लातेहार जिले की महिलाओं ने तहे दिल से स्वागत किया है। महिलाओं ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है। कुछ ने इसे न्याय की जीत बताया तो वहीं कुछ लोगों ने कहा सजा से देश भर में कड़ा संदेश जाएगा, संविधान से ऊपर कोई नहीं। देर से ही सही, लंबे जद्दोजहद के बाद आखिरकार दिवंगत निर्भया के लिए उसकी माँ को मिल गया इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तिहाड़ जेल में निर्भया के चारों दोषियों को आज फांसी की सजा दी गई। महिलाओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है कि इंसाफ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ आधा अधूरा हुआ, न्याय पूरा नहीं मिल पाया। मोहम्मद अफरोज जो कि नाबालिग होकर रेप कर सकता है तो फिर उसको फांसी पर क्यों नहीं लटकाया गया? निर्भया को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सीमा कुशवाहा जी का करना चाहती हूँ जिन्होंने निर्भया को इंसाफ दिलाया। और आज का दिन निर्भया इंसाफ के रूप में याद रखा जाएगा। और ऐसे रेपिस्ट लोग को मन में एक भय भी रहेगा और ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा मिलनी चाहिए, वो सजा है फांसी की। चाहे वो बालिग हो या नाबालिग हो, उनको फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ कि हमारी निर्भया को पूरा इंसाफ मिले। एक दोषी जो रह गया है उन्हें भी जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए।